आईएलजीएल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिर जैसे हम लोगों ने सीएमएसएल का दिल्ली दर्शन किया था, वैसे इस आईएलजीएल का भी हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है वो दिल्ली दर्शन किया था। हमने देखा था कि आईएलजीएल जो हमारा पेपर है ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है, यानी कि ये पेपर जो है सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। एक बुरा न्यूज़ आपके लिए और है, इस बीच में आपको इंस्टीट्यूट से सिर्फ बुरे न्यूज़ मिलेंगे, यानी कि जो आपके फेवर में नहीं रहने वाला है, और इसीलिए क्योंकि वो सारे न्यूज़ आजकल आ रहे हैं जिससे इंस्टीट्यूट चीज़ों को स्ट्रिक्ट कर रही है, थोड़ा सा टफ बना रही है। और उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहले आईएलजीएल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, मतलब आप जो भी लिखिए अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है तो टिक मार दीजिए, इना मीना डिका डायडेमनिका या ओक्का बोक्का करके नहीं खेलते थे गेम बचपन में ऐसे ऐसे करके, और जिस पे रह गया उसको कर दिया, तो वैसे ए बी सी डी कुछ भी मार देते थे ठीक हो जाता था, मतलब कम से कम नेगेटिव तो नहीं था। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे इसमें बिना अच्छे नॉलेज के जो है वो पास हो जा रहे थे, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव अगर लॉ आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए तो और दर्द को बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आप में क्लैरिटी है तो टिक लगेगा, और नहीं है तो अगर उटपटांग टिक लगा तो वो नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा आपने जो अच्छे किए हुए उसमें से भी 0.25 वो ले डूबेगा, मतलब एक मार्क्स आए हैं और चार गेम खेल लिया बराबर पे आ जाएंगे, यानी 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है। ये पेपर आपका अगर देखा जाए इन जनरल, तो इस पेपर में थोड़े सावधानी से आप बड़े मार्क्स ला सकते हैं, एट मीन्स 90 प्लस लाने के लिए आपको एवरेज मतलब मशक्कत भी करते हैं तो 90 आ जाता है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा दम लगा देते हैं, उतना दम जितना सीएमएसएल में आपको लगाना है, क्योंकि सीएमएसएल में मजबूरी है लगाना पड़ेगा, उतना दम अगर इसमें लगा देते हैं तो आप 100 पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखला दिखला करके दिखला दूंगा कि किस तरीके से पहुंच सकते थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव को अगर आपको अच्छा करना है तो उसे सब्जेक्टिव की तरफ पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्वेश्चन लिखूं, ये रहा फैक्ट्री एक्ट का क्वेश्चन, ये मारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शन क्या है सही जवाब, अब आप रखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये है इसका सही जवाब, रखते जाइए। मेरे तो मेरा काम क्या रहा, तो इससे अच्छा तो मैं एक ऑपरेटर रखूं और बोलूं स्क्रीन क्रॉस कराते जाना और बच्चे देखते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें करना है और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से करना है जिससे कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव वो निकाल सके सारे के सारे हम क्या कर लें, सारे के सारे हम सॉल्व कर लें। तो इसके लिए हमें इसके सिक्वेंस को, इसको पूरे तरह से कहानी के अंदाज में करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि कहानियाँ हमें याद बड़ी अच्छे से रहती हैं। याद है ना छोटे में जो भी पढ़ते थे, चाचा चौधरी, बाकेलाल, राम रहीम, पंचतंत्र की कहानी, नंदन, नन्हे सम्राट, पता नहीं आप लोगों ने इतना पढ़ा या नहीं पढ़ा है। हम लोगों को तो इसीलिए यही सारे चीज़ थे क्योंकि उस समय उतने ज़्यादा जो है वो कार्टून चैनल वगैरह नहीं आते थे, मैं आपसे काफ़ी बूढ़ा हूँ, मेरा ज़माना बहुत पीछे था, तो इसीलिए उस समय जो है, और मेरे घर में थोड़ा मिलिट्री रूल चलता था, पापा गलती से मेरे अपने समय के जो है गोल्ड मेडलिस्ट थे तो सारा गोल्ड मेरे ऊपर ही घिसा था, बीएचयू के पास आउट थे, तो मस्त हम लोग की पिटाई होती थी, शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते थे, और इसीलिए ये सारी डिग्री जुड़ती चली गई, ये मैंने नहीं दिया, वो सारा क्रेडिट जाता है उस पिटाई को जिसके बदौलत पढ़ने की आदत लग गई। हम लोग को टीवी देखने का टाइम दिया जाता था इतने से इतने के बीच में, इसके बाद नहीं, और उसमें भी डील होता था, अगर इतने से इतने देखोगे तो इतने से इतने नहीं, और उसमें भी क्या था वो जरा सुन लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड DD1, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है, कोई डिश वगैरह नहीं, DD1 पे जो आ रहा है वही, और DD1 पे कम वक्त कार्टून के नाम पे सिर्फ एक डोनाल्ड डक आता था, वो भी सिर्फ संडे को, अब तो डोनाल्ड डक जल्दी कोई देखते नहीं क्योंकि दिन भर देता रहता है, छोटा भीम, तो जो है वो क्या क्या, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, क्या क्या, बिटिया के कारण मुझे भी याद हो जाता है क्योंकि कुछ और देखने नहीं देती है, पापा हट अभी, क्यों अभी हट, तो अभी जो है वो छोटा भीम, अभी तो कालिया वाला एपिसोड आएगा, अभी छोटा भीम कृष्णा के साथ आएगा, तो अभी गणेशा के साथ आएगा, अभी डोरेमोन आएगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक, और वो था हमारा डोनाल्ड, और उसमें सुबह में चित्रहार जैसा आता था, रंगोली, रंगोली सुबह में 7 बजे से 8 बजे सुबह में, अच्छा तो रंगोली, और अगर उस रंगोली आपने देखा है तो आपको चंद्रकांता देखने नहीं दिया जाएगा, 9 o'clock चंद्रकांता देता था, या तो उस समय पढ़िए या उस समय पढ़िए, ऐसे करके, तो ऑब्वियस सा बात है कोई दूसरा जरिया देखना पड़ेगा, क्या करने का, अच्छा समय बिताने का, क्योंकि पढ़ना तो मजबूरी था, पढ़ना कहाँ चाहते थे, वो तो पिटाई लगता था इसलिए पढ़ते थे, कोई ना बोले तो बिल्कुल ही ना पढ़े,
तो उस समय में बड़े लिमिटेड सोर्स में हम लोग इसी तरह से काम चलाते थे, तो हमारे समय में इतने सारे चीज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे वो बिल्कुल याद हो जाता था। खुद आश्चर्य लगता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहा है दनादन दनादन, और याद हुआ इसका वैलेंसी कितना होता है? नहीं याद है। ये और ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेरा सर। मतलब कुछ भी रिएक्ट करेगा तो बनना एक ही चीज है, वो मेरा कीमा। मतलब रिएक्ट कुछ करेगा चाहे सोडियम करे या क्लोरीन करे, बनना मेरा कीमा है, क्योंकि पढ़ेगा पापा से, क्योंकि वो याद नहीं है कि किसके कितने जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने क्या होंगे। लेकिन जो बुक वगैरह पढ़ते थे ना कॉमिक्स वगैरह, वो याद हो जाता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। देखिए एग्जैक्टली तो कहानी नहीं हो सकता है, लेकिन समहाउ रिलेटेड टू कुछ ऐसे चेन, क्योंकि वो याद क्यों रहता था ना, वो चेन होता था। वो उसके घर गया, उसने देखा कि वहाँ पे ये समोसा रखा हुआ है, उसने समोसा देखा तो उसने खाना शुरू किया, ज़्यादा समोसा खा लिया इसीलिए उसके पेट में दर्द होने लगा तो वो वहाँ चला गया। तो ये बिल्कुल ऐसे लॉजिक में बना हुआ रहता है। मोटू पतलू में समोसा बहुत खाया जाता है। आप लोग देखे मोटू पतलू? नहीं देखते? पहले मैं भी नहीं देखता था, आजकल मैं भी खूब देखता हूँ। तो उसमें समोसे खुशबू, तो मुझे भी उसके डायलॉग वगैरह याद हो गए। हम लोग तो इतने कम देख पाते थे टीवी कि हम लोगों को एडवर्टीजमेंट तक याद रहता था। और हम लोग आपस में छोटे भाई बहन आपस में एडवर्टीजमेंट खेलते थे। एक कहता था निर्मा डिटर्जेंट टिकिया इसकी छाल ने जादू कर दिया, पूरा पानी में रह के भी ये कम घुले, ढेरों कपड़े धोए और ज़्यादा चले। एक ये करते थे तब तक दूसरा जो है उधर से शुरू कर देता, दूसरा जो है वो अपना ऐड शुरू कर दिया। मतलब एक से एक हम लोग ऐड खेल लेते थे। सोचिए इतना कम टीवी देखते थे कि सब याद रहता था, कौन उसका प्रोड्यूसर है, सब ऐसे करके बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ रहा है ना, कोई काम करवा लीजिए बस पढ़ाई छोड़ करके। तो यही हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग इसको सीक्वेंस में करेंगे ताकि हमें याद रखना आसान हो जाए। इसमें आपका कोर्स कंटेंट इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है। जब कोर्स कंटेंट बड़ा हो जाए तो वैसे केस में थोड़ी समस्या और आ जाती है। ये पार्ट ए है, 70 मार्क्स के लिए ये सारे के सारे चैप्टर हैं, 19 चैप्टर यानी कि 18 एक्ट हैं और एक उन सारे एक्ट्स का जो है ऑडिट है। ये सिर्फ 70 मार्क्स के लिए, अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 3 मार्क्स एक चैप्टर का वेटेज हो रहा है। अब इसके लिए हमें करना यह है कि सारे चैप्टर को कवर भी करना है और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे ये भी हमें निकालने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको तब याद रहेगा जब आप पूरे कहानी को ढंग से सुनेंगे और हर एक स्लाइड में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज हो सकते हैं वो रेज करना रहेगा। देखिएगा अभी जब हम लोग शुरू करेंगे, जैसे ही एक स्लाइड पढ़ा उसके बाद देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कैसे पूछा जा सकता है। अभी अगर वो चीज़ हम कर लेंगे तो बाद में हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी चीज़ हो सकते हैं उस पॉइंट से वो सारे हम निकाल लेंगे कि इससे डबल फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनाया जा सकता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी दिखलाया था कि कैसे डबल फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, मल्टीपल चॉइस पूछा जा रहा है, फिर बीच बीच में हम लोग उस चीज़ को देखते रहेंगे। अब पार्ट ए 70 मार्क्स का और पार्ट बी जो है वो 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स के पार्ट में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, लेकिन सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके भी क्वेश्चन रहते हैं। ये 30 मार्क्स का है, जनरल लॉ है। हम लोग शुरुआत जो करेंगे पार्ट ए से करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताना है क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आवर्स आपके पास टाइम है, 3 घंटे का समय है, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। मतलब 100 के 100 क्वेश्चन है और वो आपको आंसर करने, कोई आपके पास चॉइस अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पार्ट ए से, लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ यहाँ भी आपको सीक्वेंस को इग्नोर करना है। सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग रहने दीजिएगा। शुरुआत हम लोग जरूर करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट से, उसके बाद क्या आएगा ये मेरे ऊपर छोड़िएगा, और ऐसे कर जिसका जिससे रिलेशन रहेगा ना हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि पिछले से हम लिंक कर सकें कि उसमें ऐसा था, अब देखिए उससे आगे की कहानी। लेकिन इतना तय है कि जो भी चीज़ आप इस पोर्शन में पढ़ेंगे इसका वेटेज आपका, इसका जो है वो ये जो भी पोर्शन है ये सारा कुछ आपका रिलेटेड है लेबर से, मजदूरों से, कहीं पे काम करने वाले लोगों से। और सिर्फ इस एक्ट को पढ़ते वक्त आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। ये नहीं कि रुमाल लेकर के आएंगे, हैंकी लेकर के आएंगे, मैंने बोला फैक्ट्री जाए, ऐसे नहीं, ये नहीं। थोड़ा इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे कि अगर मैंने कुछ बोला और मैंने आपको कहा कि इस केस में क्या होना चाहिए, तो आप उसमें ये देखिएगा कि लेबर के लिए क्या अच्छा होता है, मतलब मजदूर के लिए क्या अच्छा होगा, ये वाला चीज़ अच्छा होगा या ये वाला, जहाँ पे थोड़ा आप फंस जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है
लगेगा कि ये होना चाहिए ये, तो वहां पे थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं, बाकी जगह लोगों में बिल्कुल दुष्ट बनना है, जैसे आप हैं वैसे रहना है। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो किसके तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, लेबर इंप्लॉय के तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। चलिए यहां मैंने स्ट्रेटजी बतलाया था कि जो मेरे क्लास नोट्स होंगे, जो बुक यहां से होकर के गुजरेगा, कुछ भी उसके बाहर नहीं रहना है, ऑब्जेक्टिव भी इसके बाहर नहीं रहेगा, यानी कि जो क्लास में आप करेंगे, बसरते आप उसका दो रिवीजन करते हैं। इसमें दो रिवीजन चाहिए, सीएमएसएल में चार बोला है, नहीं कीजिएगा दोबारा हम आप यही मिलेंगे, लेकिन अगर कर लेते हैं तो फिर नहीं मिलेंगे, अगले किसी लेवल पे मिलेंगे। इसमें आपको दो रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, और हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको कितने देर, 20 से 30 मिनट्स आपको टाइम चाहिए। इसमें राइटिंग पैटर्न पे हम लोग वर्क नहीं करते, सीएमएसएल में मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि बड़े सारा वर्क करते हैं हम राइटिंग पैटर्न पे, लिखेंगे कैसे बताऊंगा फिर आने वाले दिनों में, इसमें ये काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो राइटिंग स्किल वाले चीज पे इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम है, राइटिंग पैटर्न तो नहीं लेकिन एक एक्स्ट्रा काम है, हर दिन जितने भी स्लाइड आपके सामने से गुजरेंगे उस दिन आपको घर पे होमवर्क मिलेगा कि उस स्लाइड से जितने क्वेश्चन आप निकाल सकते वो क्वेश्चन निकालिए, जितने क्वेश्चन निकाल सकते। इससे क्या होगा, रिवीजन का रिवीजन, और एक बार जब आपने खुद से क्वेश्चन निकाल लिया तो उस केस में फिर उससे कोई भी ऐसा चीज नहीं रहेगा जो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन निकलता है, ये स्ट्रेटजी रहेगा। स्कैनर मैं करवाऊंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो करवाऊंगा, झूठ मूठ के स्कैनर में पैसे भी लगाएगा, आंसर भी मैं ही दूंगा, वो प्रिंट भी दूंगा और यहाँ बोर्ड पे भी रहेगा, और आप खुद आंसर वो बतलाइएगा जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसके अलावा स्टडी मैट का जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, वो मैंने ऑलरेडी पिक कर लिया और उसे डाल दिया आपके बुक में और क्लास नोट्स में, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने इसीलिए कह दिया क्योंकि हर दिन जब भी हम लोग पहला क्लास करते तो डिस्क्लेमर दे देते, मैंने उन चीज़ों को रिपीट कर दिया। ये सब सफर हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से, जो क्या है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि सीक्वेंस क्या रहेगा, ये किसके ऊपर छोड़ेंगे, मेरे ऊपर। ये नहीं कि सर इसके बाद स्टडी मैट में ये, भूल जाइए सारे चीज़ों को। जब सब कुछ खत्म होगा तो आपको सारा का सारा कुछ ऑलरेडी कवर हो गया रहेगा, बस आगे पीछे करेंगे, जिसका एक दूसरे में लिंक है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब इसमें शुरुआत करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट से। फैक्ट्रीज एक्ट से बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरे सब्जेक्ट का दिल्ली दर्शन क्या है, याद है। अब दूसरे क्लास में जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, ये है साइंटिफिक अप्रोच आपके पढ़ने का, कि पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ताकि आपको पता रहे कि इसमें हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट इसमें हम लोग जो भी बातचीत करेंगे वो बातचीत होगा कि अगर कोई बंदा कहीं काम कर रहा है, और अगर वो कहीं काम करता है तो काम के दौरान उसे कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक है, वो अपने काम को जरूर करेगा, लेकिन एक बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसे दीजिए, एक बेयर मिनिमम कन्वीनियंस तो उसे दीजिए। मान लीजिए कि मजदूर को काम करने के लिए आपने लाया, ठीक है, अब वहां पे पूरा पानी गिरा हुआ है, दलदल मिट्टी कांटा पत्थर है, और आप उसे कहते चल यहाँ दिहाड़ी का मजदूर है तो दिन भर काम कर, ठीक है, वो दिहाड़ी का मजदूर है दिन भर काम करेगा, लेकिन उस कंडीशन में कैसे करे, ठंड का समय है और अगर जानबूझ करके पानी और कीचड़ रहे तो ऐसे में कैसे काम कर पाएगा। जहां वो काम कर रहा है वहां पूरा धुआं है, पूरा धूल भरा हुआ है, पता चला मर जाएगा, बीमारी हो जाएगी उसे। चूंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहे तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट जैसा चीज आ सकता है, अगर ज़्यादा जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ पे चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो ऐसे केस में हो सकता है कि आप लोगों को फोर्स करें कि देख भाई ऐसे ही काम करना है तो कर वरना मत कर, पॉसिबल। वो नहीं करेगा तो आपको पता है कोई दूसरा करेगा, क्यों, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर में खाना कैसे बनेगा। देखते हैं दिहाड़ी का मजदूर किसी चौक वगैरह पे खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा रहता है कि जैसे भगवान मिल जाए अगर कोई उसे काम के लिए लेके चले जाए, अदरवाइज अगर कोई काम के लिए नहीं जाएगा तो आज बैठा रह जाएगा और उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और हमारे आपके तरह दे आर नॉट ब्लेस्ड एनफ कि उनके पास सेविंग है जिससे वो निकाल करके क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे और आज खा लेंगे। बहुतों का तो अकाउंट तक नहीं होता, वो समझते भी नहीं अकाउंट में पैसे कैसे जाते हैं। ऐसे केस में अगर कहीं कोई रेगुलेटरी बॉडी ना हो तो शायद लोग उनके साथ जाती करेंगे, सही है ये, कहीं लॉ बना रहता तभी हम डरते हैं। आप खुद सोचिए ना, मैं बात कर रहा हूं हमारे और आपके जैसे लोगों की,
जो हम लोग सोसाइटी में सिविलाइज तरीके से रहते हैं, तब हमारे और आपके बीच में जो है वो दिमाग में इस तरह का बात भरा हुआ है कि जब तक कोई चीज़ कंपल्सन नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। ये चीज़ जो ऑड इवेंट डे जैसा चीज़ है, ये हम अपनी मर्जी से कर सकते थे या नहीं? चाहते तो कर सकते थे, अगर हम कार्ड लेकर के नहीं जाएंगे तो क्या बोलेगा, चल ले करके जा वरना ले एक, नहीं। लेकिन अगर रूल आ गया कि नहीं अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या बिना गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए हुए हम अपने गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक वगैरह नहीं करा सकते? पैसे ही तो लगते हैं, वहां जाते हैं वो कह देता है कि हाँ भाई पॉल्यूशन चेक हो गया, गाड़ी आपकी सही कंडीशन में, वरना बता देता है कि सही कंडीशन में नहीं है, सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ये हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं। लॉ बना दिया गया तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी जैसे ही पकड़ा जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा, तो हम कर रहे हैं। तो जब तक कहीं लॉ नहीं बनता है ना, तब तक हम चीज़ों को जल्दी फॉलो नहीं करते। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, बहुत पहले से। जब तक हमारे ऊपर थोड़ा कभी कभी स्ट्रिक्टनेस इम्पोज नहीं किया जाता, तब तक हम बात नहीं सुनते। अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे, मैं अपने केस में तो रियलाइज करता हूँ, अगर आप बड़े अच्छे होंगे तो दूसरी बात है, मैं आम तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग को भी पढ़ने की मन नहीं होती थी, पिटाई के डर से शुरू में पढ़ते थे छोटे में, या लालच, या तो पिटाई या लालच, या तो बोलो चॉकलेट देंगे, ये देंगे, ये बन जाएगा, और नहीं तो फिर दे देना दन। वैसे मैं देखता था दे देना दन ज़्यादा इफेक्ट करता था, एंटीबायोटिक का डोज ज़्यादा इफेक्टिव रहता था। तो ऐसे में बढ़ते, ऐसे ही जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, जब लोगों से प्यार मोहब्बत से चीज़ों को कहा, किन से, एम्प्लॉयर को, कि भाई आप इनको फैसिलिटी दीजिए जब ये आपके पास काम कर रहे हैं, तो फैसिलिटी मतलब पैसे दीजिए और फैसिलिटेट कीजिए कि मिनिमम कुछ इनकी ज़रूरत है। ये नहीं कि इनसे 12 घंटे काम कराओ और पैसे दो 8 घंटे के, दिन दिन 14-14 घंटे काम कराओ, कभी भी किसी को बुला लो। फीमेल वर्कर काम करते लेकिन उनका स्पेशल केयर नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ कहा गया कि ये तब लोग करेंगे जब इसके लिए क्या बना दिया जाए, लॉ। तब भी लोग नहीं करेंगे तो कम से कम फाइन पेनल्टी का तो प्रोविज़न होगा। अगर किसी चीज़ के लिए कोई पेनल प्रोविज़न नहीं होगा तो लोग बोलेगा मैंने क्या कॉन्ट्रावेंशन किया है। यही वजह है कि हमारे देश में बड़े सारे कानून हैं। जितना कानून हमारे देश में उतना कहीं एक्ट और कानून नहीं बना हुआ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन 17,000 के आसपास एक्ट, रूल, रेगुलेशन सारे चीज़ को मिला दिया जाए तो हैं बने हुए। यहाँ पे पैदल चलने तक का रूल होता है, स्पीटिंग आप कहाँ करें इसका भी रूल होता है, मतलब तो हर चीज़ का। क्यों, हम हैं ही इतने होनहार कि जब तक बनेगा नियम नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं उस तरीके से। तो उसी में बनाया गया ये कौन सा एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें अगर कोई लेबर कहीं काम करता है तो सबसे पहले तो ये एक्ट अप्लीकेबल कहाँ है, किस जगह को हम फैक्ट्री कहेंगे, पहले तो ये करना पड़ेगा डिफाइन। और उसके बाद अगर कोई चीज़ फैक्ट्री के दायरे में आता है तो उसके ऊपर ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और अगर वहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल होता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कुछ खास तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, किसी की तो जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, बोलेगा ठीक है एक्ट तो है लेकिन बताओ इसके लिए कौन है, MD बोलेगा मैं नहीं जानता, मैनेजर बोलेगा मुझे क्या पता मैं तो ये काम करता हूँ, सुपरवाइजर बोलेगा मुझे क्या पता, मजदूर बोलेगा मैं तो बेचारा हूँ। तो सब बेचारे तो सब तो काम कमा रहा, तो फिर कौन करेगा एक्ट को कंप्लाई, कौन करेगा? कोई तो होगा जिसके ऊपर ये हम कंपल्सन डालेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री एक्ट के तहत जो जो फैसिलिटीज है उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तब देखेंगे कि वो फैसिलिटीज कौन कौन से हैं, किस तरह की फैसिलिटीज हैं। अगर वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और एक खास संख्या से ज्यादा काम कर रहे हैं तो खास तरह की चीज देनी है, कैंटीन आपको प्रोवाइड करना है, एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना है, फर्स्ट एड का वहां पे रूम रखना है, उनके रेस्ट रूम का इंतजाम करना है, अगर वहां फीमेल वर्कर ज्यादा है तो क्रेचेज का इंतजाम करना है जिससे वो बच्चों को रख सके, मतलब ऐसे तरह के कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर वहां पे हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है, हैजार्डस एक्टिविटी इज नॉट इलीगल एक्टिविटी। हैजार्डस का मतलब होता है कोई ऐसा वर्क जिस वर्क में अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान ज्यादा होगा, जैसे जहां पे क्रैकर्स बनते हैं, पटाखा अलाउ है बनाना, लेकिन अगर वहां पे कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जहां केमिकल वगैरह बनते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट है हमें, गैस की रिक्वायरमेंट है हमें, लेकिन जहां गैस सिलेंडर वगैरह और बाकी चीज बनते हैं वहां अगर आग लग जाए तो ज्यादा हादसा होगा, और नॉर्मल जगहों पे लगे तो कम। अगर हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है तो किस किस तरह का स्पेशल चीज चाहिए, अगर नहीं किया फॉलो तो क्या फाइन पेनल्टी लगेगा, मतलब सारा फैसिलिटीज में बड़े सारे फैसिलिटी वर्किंग रूल जानना पड़ेगा, किससे कितनी देर काम कराएंगे, कितने देर के काम के बाद उन्हें रेस्ट देना जरूरी है, कितने दिन के काम पे उन्हें छुट्टी देंगे, ये सारा कुछ ये इस फैक्ट्री एक्ट में आपको पढ़ना है। बात मोटे तौर पे समझ में आया क्या इसमें पढ़ना है? और इससे बड़े सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, मैं आपको दिखाता चलूंगा क्वेश्चन भी कि कैसे एक स्लाइड से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं,
एक दो ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद तो आप खुद समझने लगे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि कैसे हर स्लाइड से हमें क्या करना है, घर जा करके क्वेश्चन तैयार करना है। और ये लूज सीट में तैयार करेंगे और मुझे दिखलाना रहेगा, आप मुझे दिखलाएंगे ताकि मैं ये देख सकूं कि आप चीज़ों को सही समझ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन सही से निकालना सीख लिया ना, इसका मतलब है कि बातों को आप समझ रहे, तभी तो आप इससे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। और अगर बात समझ में नहीं आएगी तो क्या आप रेज कर पाएंगे क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन इससे बना है, देखो कैसा बना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें इसका। सबसे पहले तो हमें जानना रहेगा कि ये एक्ट अप्लीकेबल कहाँ पे है, किसी भी जगह। यहाँ भी फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, दुकान में भी लगेगा, नहीं पता, अभी पता करते हैं। चलिए करते हैं पता। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, आप एकदम फटाक से इसे कॉपी कीजिए और फिर सुनिएगा मेरा प्रवचन। इसको कॉपी करें, डन करें। और ये पहला स्लाइड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ILGL का पूरा फ्लो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर क्लास से कैसे हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपको पेज चाहिए क्या? अच्छा नहीं तो है यहाँ पे, आप ले के लिख सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, और ये जिस तरीके से मैंने लिखा है इसके पीछे वजह है, जो मैंने ऐसे ऐसे दोनों साइड किया, आपको सब अभी समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा है कि फर्स्ट स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आप बस इसे कॉपी कर लें और जल्दी से डन करके मुझे बताएं। और इस पे हम लोग पूरा का पूरा अपने ILGL के पैटर्न को जान लेंगे। ये एरो इन दोनों जगह पहुंचता है, यानी कि ये वाला चीज दोनों के लिए, यही जो मैंने बनाया ऐसे, अगर ब्लू वाला ठीक से ना दिखे तो यहां से ये दोनों चीज है। यहां हम लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल, किस पे? फैक्ट्रीज। अब देखिए पहला क्वेश्चन वो बना सकता है कि फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक हाउस, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, दिस, और उसमें एक लिखेगा फैक्ट्रीज। ये भी लिख सकता है अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, आपको लगेगा कंपनी होना चाहिए। हर वो चीज़ ऑप्शन में दिया रहेगा जहाँ पे आप गलती करेंगे, तो फैक्ट्री भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकता है, शॉप दे सकता है, या दे देगा प्लेग्राउंड, कुछ भी दे दिया। हमारा जवाब क्या रहेगा? टू ऑल फैक्ट्रीज। द ईयर इन विच फैक्ट्रीज एक्ट वॉज कमेंस्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ये सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूं कहां कहां ध्यान रखना है। चलिए अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक्ट अप्लीकेबल है ऑल फैक्ट्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्ट फैक्ट्रीज पे अप्लीकेबल है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह को हम फैक्ट्री कहेंगे उस जगह पे फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं, और वो प्रोविजन में क्या होगा? फैसिलिटीज, जो हमने बातचीत किया है कि वर्किंग आवर क्या होगा, किस कंडीशन में वो काम करेंगे, कितने देर काम करेंगे, तो ये जितनी भी चीज दी हुई वो वहां पे क्या होगा? लागू होगा, वहां पे एप्लीकेबल होगा। और अगर वो जगह फैक्ट्री नहीं होगा तो वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं। वो माने तो अच्छी बात है, वरना आप उसे पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अगला सबसे बड़ा हर्डल ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि हम फैक्ट्री किसे कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री जो है हर उस जगह को कहते हैं, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स। थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिएगा प्रिसिंक्ट्स, क्योंकि इसको डिफाइन करूंगा फिर, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। तो एनी प्रीमाइसेस इन एनी पार्ट ऑफ विच
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और प्रोसेस इज कैरीड ऑन। तो देखिए पहला चीज क्या निकला कि वहां कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। इसका मतलब किसी भी चीज को हम फैक्ट्री कहें इसके लिए वहां पे क्या होना जरूरी है, जानना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या होता है, जान लेंगे। फिलहाल इतना तो समझ में आता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पे कुछ काम हो और उससे कुछ बन करके तैयार हो उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एक्ट के दायरे में रखा जाए तो उससे भला होगा लेबर्स का या बुरा होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजों के ऊपर फैक्ट्री एक्ट लगाएंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होगा या बुरा होगा, भला होगा, क्योंकि पहले कोई चीज फैक्ट्री कहलाएगा तभी तो हम वहां पे लोगों को फैसिलिटेट करवा पाएंगे। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा जगहों पे लागू हो तो इसका मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग का दायरा क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। बड़े सारे काम को हमें किसके दायरे में रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में, जान लेंगे। फिलहाल अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो तो आगे बात करेंगे कि वो फैक्ट्री होगा या नहीं होगा। जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो वो फैक्ट्री कहलाएगा, लेकिन अगर हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो फैक्ट्री है या नहीं है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो भूल जाइए, एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर एक कोने में भी हो रहा है, पूरे जगह पे नहीं हो रहा है, इस प्रीमाइसेस के किसी एक हिस्से में हो रहा है तो भी वो माना जाएगा कि उस प्रीमाइसेस में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा रूम, ये सारे रूम में पढ़ाई का काम चल रहा है, ठीक, और उस छोटे से केबिन में मान लीजिए आशीष जी मैन्युफैक्चरिंग वर्क शुरू करते हैं, दे दनादन कुर्सी तोड़ रहे, उसमें कुर्सी में कील लगा रहे, तोड़ रहे, उसमें लगा रहे, मैन्युफैक्चरिंग, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क है कुर्सियां बनाना, तो इसका मतलब ये जगह क्या कहलाएगा कि यहां पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है। क्यों जान लोगे हम जारी, आशीष जी सिर्फ कर रहे हैं, उनके केबिन को कह दीजिए, उनके ऊपर लगाइए कि उस केबिन में जिसको जिसको घुसा करके काम करवाएंगे उनको वो फैसिलिटेट करें, बाकी के ऊपर नहीं लगाइए रूल, कहा गया ना। अगर वो प्रीमाइस का हिस्सा है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि उस पूरे प्रीमाइस में कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। मैंने क्या बोला, थोड़ा इमोशनल होकर के यहां सोचिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी लोग यहां काम करेगा उन सारे लोगों को फैक्ट्री एक्ट के बेनिफिट मिलेंगे, हम उन लेबर के साथ जाति नहीं कर पाएंगे। भले मैं यहां पे काम कराने के लिए किसी को क्यों ना रखूं, इसमें सफाई कराने के लिए क्यों ना रखूं, भले वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छा होगा लेबर के लिए या बुरा होगा, और पूरा लेबर लॉ बना ही है कि उनको क्या करने के लिए, भला करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब अगर पूरे हिस्से में से कहीं भी एक जगह, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एनी प्रीमाइस, उसके बाद देखिए क्या है, इन एनी पार्ट, उसके किसी भी एक हिस्से में, पूरे हिस्से में हो रहा है तो अब ये मत बोलेगा सर पूरे हिस्से में होगा तो लागू हुआ है, जब किसी भी एक हिस्से में बोला गया तो इसका मतलब पूरे हिस्से में हो रहा है तो, और कहते नहीं है करेला खुद तीता दूजा नीम चढ़ा, तब तो होगा ही होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो अब दो बातें वहां सामने आएगी, ऑफिस ऑफिस वाला दो बात, कौन कौन सा, या तो वहां पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा होगा या बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, जिसको हम पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो या तो वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा होगा या पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, होता है ना काम करने के लिए। कहा गया कि ये जो पावर का इस्तेमाल है, ये पावर का इस्तेमाल किसी भी तरीके से हो सकता है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, पावर्स मीन्स जनरेटर, पावर्स मीन्स बैटरी, पावर्स मीन्स गोबर गैस, पावर्स मीन्स आपका जो है वो विंड एनर्जी, किसी भी तरीके से आप पावर का इस्तेमाल कीजिए, अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन कंपोनेंट ऑफ पावर, यहां पे पावर के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी जो बीप बजा है इसका मतलब अभी लाइट आया है, इससे पहले तक लाइट गया हुआ था तो हमारा बैकअप है, बैटरी लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो भी क्या कहलाया, पावर। ज्यादा देर के लिए बैटरी खत्म होता है तो जब बैटरी भी सपोर्ट ना ले तो क्या यूज करते हैं, जेनसेट इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर जिसको कहते हैं, तो भी पावर। कहीं के देखते हैं कि वो सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट से चलता है, वो भी पावर का है। गोबर गैस प्लांट सुने होंगे, रूरल एरिया में प्रमोट किया जाता है, वो भी है। विंड एनर्जी का इस्तेमाल, तो किसी भी तरीके से वो क्या कहलाएगा, पावर। लेकिन ये पावर का मतलब लाइटिंग नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे मैं आपको दिखला दूंगा, नहीं भी कुछ तो 4-5-10 क्वेश्चन में यहां से निकालूंगा
और इतना ही नहीं, एग्जाम में दिखला दूंगा कि कैसे इससे क्वेश्चन ट्रेस किया गया, कैसे पूछा जाता है, इतने पहले ही स्लाइड से कैसे घुमाता है। तो एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि जिस जगह काम हो रहा है वहां किसका इस्तेमाल होना चाहिए, पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये पावर का इस्तेमाल लाइटिंग के लिए नहीं, लाइटिंग के लिए हो रहा है तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न तब है जब उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो, पावर का इस्तेमाल हो। मतलब क्या है ये सुनिए। अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान क्या लीजिएगा ये सत्य वचन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब यहां पे मैं पढ़ाने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, हां या ना? क्यों? क्या लाइट जल रहा है इसीलिए? अभी तो एसी की रिक्वायरमेंट नहीं, वरना एसी भी चलता है। क्या ये लाइट जल रहा है इसीलिए? फैन चलेगा इसीलिए? नहीं, इसीलिए क्योंकि आप देख लीजिए कैमरा लगा हुआ है, किससे चल रहा है ये? पावर से। ये देखिए ना, उसका पूछ कहां लगा हुआ है, वहां सॉकेट। आपका ये जो डिस्प्ले हो रहा है कैसे, मुझे क्या जादू आता है आवरा कटावरा? नहीं, ये भी किससे है? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पावर का एक टाइप है। मेरा यहां पे जो बोर्ड है जिसपे मैं लिखता हूं, ये पावर से ही तो चल रहा है। देखिए वहां पे मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, वो बैटरी से, मैंने पहले बोला बैटरी चले, इतने सारे इक्विपमेंट यहां पे ही है। बिना इसके मेरी क्लास नहीं होगी, इसका मतलब मेरे पढ़ाने के काम के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है। अब सारा का सारा रिकॉर्डिंग बंद, ये बंद, इसको जो है वो खींचू, ये उठा दिया, और उसके बाद इसके नीचे व्हाइट बोर्ड भी है कि कभी लाइट कटा रहा, कुछ रिप्रेजेंट करना रहा उसके लिए, वर्स्ट केस के लिए। उस पे मैं मार्कर से लिखना शुरू किया, लाइट ऑन है क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए। तो क्या माना जाएगा कि मैं पढ़ाने वाले काम के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं, तब नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं किससे पढ़ा रहा हूं, मार्कर लेकर के बोर्ड पे लिख रहा हूं। भले लाइट यहां जल रही है, फैंस चल रहे हैं, लेकिन माना जाएगा कि मैं पढ़ाने वाले काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि दिस इज फॉर लाइटिंग ओनली। तो यहां पे कहा गया कि पावर का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो किस चीज के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पे पावर की रिक्वायरमेंट हो, कहां कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर वहां पे पावर यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए, तो कम से कम कितने लोग काम करने वाले होने चाहिए? ये सब ऑब्जेक्टिव है, कम से कम 10 लोग होने चाहिए अगर किसका इस्तेमाल हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ पावर। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है पावर के इस्तेमाल से, तो कम से कम कितने लोग? 10। और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम कितने लोग? 20 लोग वहां होने चाहिए। क्या आज की बात मैं कर रहा हूं? कहा गया कि नहीं। जिस दिन आप ये चेक करने के लिए गए कि ये जगह फैक्ट्री है या नहीं है, उस दिन से लेकर के पिछले 12 महीने में एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी अगर कोई वहां पे काम कर रहा है, अब ये नहीं कि कैजुअल वर्कर कोई नहीं कि 10 मिनट के लिए किसी को बुलाया तो काउंटिंग में आ गया, अगर किसी से हम काम करवा रहे हैं और हमारे ऑन रिकॉर्ड काम करने वालों की संख्या पिछले 12 महीनों में एक दिन के लिए भी जो है वो कितना हो जाए, अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो 10 और नहीं हो रहा है तो 20, तो उस जगह को क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री माने जाने के लिए सबसे पहला चीज, किसी भी हिस्से में क्या होना चाहिए, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, पहला नेसेसरी कंडीशन। दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अब अगर मैं बिजली बोलूंगा तो आप समझ लेंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूं, पावर कह रहा हूं, चाहे किसी भी मोड से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो जनरेटर से हो या बैटरी से हो, सोलर एनर्जी, किसी भी तरह से अगर वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए काम करने वाले? 10। कब? पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन, इंक्लूडिंग टुडे, पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन। और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो है वो 20 होना चाहिए। तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री कहेंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट लाते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। बढ़ई समझते हैं आप, कारपेंटर, लकड़ी वाला, तीनों नाम उसी का, बढ़ई कहिए, कारपेंटर कहिए या लक्कर वाला कहिए, जो लकड़ियों का काम करता है, दरवाजे वगैरह बनाता है, यहाँ तो सारा स्टील और एल्यूमिनियम है, लेकिन आप घर में अपने देखिएगा कि लक्कर का जो है दरवाजा वगैरह लगा रहता है, इसके लिए बुलाते हैं ना लक्कर वाले को, वो आता है, बड़े सारे फर्नीचर वगैरह भी बनाता है।
तो दो तरह के आप लक्कड़ वाले को देखिएगा। एक वो होता है जो अपने पास सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट मैनुअली लेकर के आएगा, मतलब बिजली का इस्तेमाल नहीं चाहिए, हाँ काम करते वक्त बल्ब लगा हुआ है और वो काम कर रहा है, रोशनी तो चाहिए ना काम करने के लिए, और वहां पे जो है उसके पास लकड़ी है, लकड़ी को काटना है तो उसके पास ऐसे करके एक आड़ी जैसा होता है, देखें दांत दांत जैसा उस पे बना हुआ रहता है, ऐसे उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे चलाएगा तो लगता है टूट जैसा जाएगा। मैंने चलाया हुआ, जब काम होता था ना बड़ा मजा आता था चलाने में, मैंने बोला ही ना पढ़ाई के अलावा सारे काम में बड़ा हम लोग को मजा आता था। तो वो जो है वो आड़ी होता है काटने के लिए, उसको बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाथ से ऐसे पकड़िए ऐसे 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 कीजिएगा वो कटता चला जाता है लकड़ी। इसके अलावा लकड़ी को अगर प्लेन करना है तो उसको रंदा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैंने उसी से पूछा तो उसने बताया इसको रंदा कहते हैं, उससे प्लेन किया जाता है, एक बंदा ऐसे पकड़ेगा दूसरा बंदा ऐसा ऐसे ऐसे करके आवाज निकलता रहता है उन लोगों का क्योंकि दम लगता है, और फ्लिक्स जैसा छिलका जैसा लकड़ी का निकलता जाता है और एकदम वो प्लेन हो जाएगा लकड़ी। अगर उसमें छेदा करना है तो उसके पास एक ऐसे करके रहता है पेन जैसा ही समझिए, लेकिन उसमें पॉइंट बना रहता है, ऐसे करके उसके पास हैमर रहता है, उससे ऐसे करेगा ऐसे ऐसे करके गड्ढा कर देता है, किसमें होल कर देता है लकड़ियों में, एक ऐसे काम करने वाला बंदा होता है। दूसरा लक्कड़ वाला होगा जिसके पास एक मशीन होगा, अगर उसे लकड़ियों को काटना है प्लग लगाएगा आड़ी जैसा होता है ऑन करेगा ढर्र, उसे ऐसे ऐसे नहीं करना है बस ऐसे रखना है वो कट जाएगा। अगर उसे ड्रिल करना है तो ड्रिल मशीन तो देखे होंगे घर में अक्सर कील वगैरह में भी काम आता है, बस वो लगाएगा उस मशीन को ऐसे लक्कड़ पे लगेगा डर हो गया और दूसरा बंदा ऐसे ऐसे करके ठोक ठोक के कर रहा है। अगर उसे जो है वो फ्लेक्स करना है छिलना है तो कुछ नहीं करना है, मशीन ऑन करेगा उस पर लकड़ी को बस ऐसे करके आगे करेगा एकदम साफ सुथरा हो गया। तो एक वो बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया पावर का, दोनों लाइट जला करके काम कर रहा है, लेकिन अगर दोनों लाइट जला रहा है तो पहले वाला बंदा जो मैन्युअली काम कर रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क तो कर रहा है लेकिन इसके लिए क्या वो बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पे कितने लोग होने चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई जो है वो कारखाना चला रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, लकड़ी का काम होता ही फर्नीचर वगैरह जहां बनता है, तो वहां कम से कम कितने होने चाहिए वैसे लोग, 20, तब मैं फैक्ट्री कहलाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास मशीन है जिसपे काम कर रहे हैं लोग तो कितने लोग, 10, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वर्क, जबकि दोनों जगह लाइट जल रहा है लेकिन एक जगह 10 और एक जगह 20 क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए। अब जरा इस पूरे डेफिनेशन को देखिए, ये एक्ट अप्लीकेबल है हर उस जगह के लिए जिस जगह का नाम क्या है फैक्ट्री, और फैक्ट्री हर वो जगह कहलाएगा जिसके किसी भी हिस्से में किसका क्या हो रहा हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए और नहीं तो 20। बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और वहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या 5 है तो क्या वो फैक्ट्री कहलाएगा, नहीं। बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा वहां काम करने वालों की संख्या 19 है तो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पावर लिखा है या नहीं लिखा है, हमें याद रहता है 10 लोग होने चाहिए, वो लिख देगा पावर का इस्तेमाल हो रहा है और वहां पे काम करने वालों की संख्या 19 है, फटाक से टिक लगाते यस दिस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहलाने के लिए अगर बिजली का इस्तेमाल होना है तो हाउ मेनी पर्सन शुड बी इम्प्लॉयड ओवर देयर, ऑप्शन में 10 भी लिखेगा 20 भी लिखेगा ताकि दोनों में कंफ्यूजन हो, 10 20 15 कुछ भी करके लिख देगा, सही जवाब क्या होगा 2 4 कुछ भी लिखा ये, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं ऑप्शन में दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ दे दे, पूरा लाइन लिख देगा स्टेटमेंट लिख देगा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स इस जगह दे देगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 10 और 20, पहले वाले में अगर 10 होना चाहिए तो आपको वो वाला ए लिखना है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके ठीक बी में लिखा पड़ेगा 20-10, वो लिख दिया तो गलत हो जाएगा, दिखाऊंगा वो क्वेश्चन ठीक। अब इसमें देखिए एक वर्ड आपका है जो वर्ड अभी आपको नहीं पता है, वो कौन सा है, प्रिसिंग्स, जिसकी जानकारी नहीं है, और एक और वर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है जिसको हमें और क्या करना है और ज्यादा जानना है कि उसमें क्या क्या शामिल होगा, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो कुछ कुछ हमें समझ में आता ही है। प्रिसिंक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, नॉर्मली अगर पूछा जाए कि नॉर्मली प्रिसिंक्ट्स मीन्स व्हाट, तो प्रिसिंक्ट्स हम कहते हैं कि एन एरिया इनक्लोज्ड बाय वॉल, जो चार दीवारी से घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रिसिंक्ट्स। अब ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि आप देखिएगा कि किसी जगह फैक्ट्री वगैरह का बहुत लंबा चौड़ा बाउंड्री होता है, पॉसिबल बहुत लंबा चौड़ा, ये मान लीजिए कि फैक्ट्री है ये पूरा उसका एरिया हो गया
और उसमें सिर्फ यहां पे जो है उनका फैक्ट्री का क्या बना हुआ है, इसको आप क्या मानिएगा, बिल्डिंग। यहां पे बिल्डिंग है जहां पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां रियल मशीन वगैरह लगा हुआ, इतना बड़ा एरिया है। यहां पे स्टोर रूम है, ठीक है। अब स्टोर रूम जो है तो वहां पे कुछ लोग काम करेंगे या नहीं, हाँ या ना, नहीं करेंगे। स्टोर रूम में लोग नहीं रहेंगे, चीजों इन्वेंटरी के देखरेख के लिए भी तो लोग रहते हैं, तो वहां पे रहेंगे। यहां पे जो है सर्विस रूम है। सर्विस रूम का मतलब हुआ कि इसमें जो बीच बीच में रिपेयरिंग वगैरह का काम करना रहता है, इसके लिए टूल्स वगैरह यहां रखे हुए हैं फैक्ट्री के लिए, तो वो यहां है। अब यहां भी कुछ लोग हैं, मान लीजिए यहां पे दो लोग हैं, स्टोर रूम के लिए जो है तीन लोग हैं, और यहां फैक्ट्री में जो है वो काम करने वालों की संख्या मान लीजिए 6 है, और यहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, पावर ऑन है। अब यहां पे कहा गया कि ये पूरा का पूरा एरिया प्रिसिंक्ट्स कहलाएगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहां है, यहां पे है। तो नॉर्मली प्रिसिंक्ट्स, अगर पूछे कि नॉर्मली प्रिसिंक्ट मींस व्हाट, तो एन एरिया इनक्लोज्ड बाय वॉल, और उसमें इन लोगों को भी 6 लोगों को लेंगे, इन तीन को भी लेंगे और इन दो को भी लेंगे, अब टोटल कितने हो गए, 11। अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे हो रहा है बिजली का इस्तेमाल, ये तो स्टोर है, वहां पे तो बस लाइटिंग के लिए है, यहां पे टूल्स रखने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे रूल 10 वाला ही लगेगा। मैंने क्या बोला, किसके फेवर में सोचिए, लेबर। अगर ये चीज फैक्ट्री कराना है तो बोला गया कि अगर किसी भी हिस्से में आप जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं, किस वर्क के लिए, लाइटिंग के लिए नहीं, किसके लिए, तो अब वहां पे 10 लोग हैं तो बस हो गया, चाहे वहां पे आप सारे एरिया में करें या ना करें। तो ये 6, ये 3 और ये 2 मिलकर के 11 हुआ। अब ये कैलकुलेशन यहां पे आ जाएगा और माना जाएगा कि वो जगह क्या है, फैक्ट्री। इसीलिए यहां पे लिखा है, देखिए, इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स। एक और चीज, ये तो एरिया के भीतर हो गया, लेकिन सिर्फ एरिया के भीतर ही नहीं, बाउंड्री के भीतर ही नहीं, वॉल के भीतर ही नहीं, अगर वॉल के बाहर भी वो चीज है और वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो भी। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, कैसे, ये देखिए, सॉल्ट समझते हैं, नमक खाते हैं तो समझ में भी आना चाहिए। नमक बनाने का जो काम होता है, टाटा सॉल्ट, शुद्ध नमक, देश का नमक, या निर्माण शुद्ध नमक बोलता है, नहीं याद है, ऐड आता है शुद्ध नमक, नहीं समझते क्या, ऐड आता है ना, इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं। तो ये जो है नमक, ये नमक जो बनने का काम होता है ये फैक्ट्री में होता है, टाटा सॉल्ट भी आता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, अगर कभी मौका लगेगा आप ऑडिट वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे, समंदर में बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं व्हाइट कलर के। समंदर का पानी क्यों बोला जाता है नमकीन होता है, खारा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक जैसा ही पत्थर है जिससे नमक तैयार करते हैं। बहुत बड़ा सा जाल जैसा डाला जाता है और उससे जो है आपके पास जो इतने बड़े बड़े कण आते हैं नमक के, एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर नहीं होता स्टोन, उस तरह का, इतना बड़ा बड़ा भी होता है वो, बहुत बड़ा बड़ा। अब उसको जो है वो समंदर के किनारे पहले छान करके रखा जाता है, वहां मजदूर काम करते हैं और उसका पहाड़ जैसा बना हुआ रहता है। एक मूवी में दिया हुआ है ये नमक का, दिखलाया हुआ है, वहां मैंने देखा कि वो मारपीट कर रहे हैं हीरो विलेन के साथ और नमक पे पटक पटक के मार रहा है, जहां पे मार रहा है वहां खून निकल रहा है, और उसके बाद जब वो नमक में सकता है तो और उसे जलन होता है, इसीलिए वहां बुला करके तब उसे मारता है। अमिताभ बच्चन जैसा ही कोई मूवी था, बहुत पुरानी मूवी थी, बड़ा व्हाइट कलर का आपका पहाड़ जैसा बना रहता है। जब वो पूरे तरह से सूख जाता है तब उसे प्रोसेस करने के लिए कहाँ लाया जाता है, फैक्ट्री के भीतर, तब उसे क्रश किया जाता है और उसमें जो है वो आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन वगैरह अगर कम है उसमें तो वो सब मिलाया जाता है और तब उसे जो है पैक करके तब निकाला जाता है। तो पावर का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्री में, वहाँ पे समंदर के किनारे तो हम कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं, बस उसे उठा करके क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कहा गया नहीं, फैक्ट्री में अगर मान लीजिए उस समय काम करने वालों की संख्या है 5 और वहां पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और समंदर के किनारे बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि मेन काम तो वही पहले जमा होगा, वहां पे काम करने वालों की संख्या मान लीजिए 8 है तो टोटल कितने हो गए, 30। बिजली का इस्तेमाल तो वहां हो रहा है तो आप कहिएगा कि सर वहां तो 10 कम से कम होने चाहिए, है तो 5। कहा गया कोई बात नहीं, अब उस को भी ऐड करो जो 8 लोग कहां काम कर रहे हैं, और समंदर के किनारे, उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिंक्ट्स। उन 8 को भी शामिल करो जो 5 यहां है, मिलकर के कितने हो गए, 13।
अब आप कहेगा सर ये 13 हो गए तो उधर वाले में डालो ना, क्योंकि समंदर पे तो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर नहीं रहे। बोला गया नहीं उधर नहीं इधर। क्यों? अगर किसी भी एक जगह आपका क्या हो रहा है, पावर का इस्तेमाल किस वर्ग के लिए हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैंने पहले ही बोला कि जिससे ज्यादा चीजों को हम किस दायरे में ला सके, फैक्ट्री के दायरे में, तभी तो हम लोगों को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे जो वहां काम करते हैं। तो ऐसे केस में प्रिसिंक्ट्स का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द वॉल भी हो गया, लेकिन इन जनरल अगर पूछे तो प्रिसिंक्ट्स इनक्लोज्ड बाय वॉल, बाहर भी हो सकता है। अब जैसे देखिए जहां चीनी बनता है, चीनी का फैक्ट्री होता है ना, सुगर मिल, वहां पे जो है आपका सुगर केन चाहिए इसके लिए, समझते ना, गन्ना। अब वो खेतों में हो रहा है, अब सारा का सारा गन्ना ला करके फैक्ट्री में कैसे छीलेंगे, उतना जगह कहाँ होता है। तो क्या करते हैं कि ऑलरेडी जहां किसान वगैरह होते हैं ना, वहां ही उनसे लिया जाता है, परचेज किया जाता है, और वहां पे ही उसे ऐसे ऐसे करके एक मशीन होता है, उसे छीलते चले जाते हैं। कभी कभी अगर मिलेगा तो देखिएगा ठेले पे भी उस तरह से छील के बेचता है। अब ये काम जितने लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी शामिल करेंगे हम, तो वो वर्क क्या हो गया, प्रिसिंक्ट्स। तेल रिफाइनरी में तेल रिफाइन होता है, लेकिन पहले उसको समंदर के बीच से निकाला जाता है, वहां पे बड़े सारे लोग काम करते रहते हैं, तो उनको भी लेंगे जो रिफाइनरी में काम करते हैं वो भी। ये हो गया प्रिसिंक्ट्स। ये सब एग्जांपल है किसका, प्रिसिंक्ट्स का। तो इन जनरल प्रिसिंक्ट्स का मतलब क्या हुआ, एरिया इनक्लोज बाय वॉल, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इनक्लोज बाय वॉल नहीं, ऑल द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उन लोगों को भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे किसमें, इस 10 और इस 20 के नंबर को जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसमें उसको भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो क्लियर है? तो चाहे उस एरिया में हो रहा हो या उस प्रीमाइसेस के कहां हो रहा हो, बाहर हो रहा हो, जुड़ा हुआ आपके मैन्युफैक्चरिंग वर्क से होना चाहिए। अगर किसी भी एक जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो 10 हर जगह होना जरूरी नहीं है, और अगर कहीं नहीं हो रहा है तो कम से कम 20 पिछले कितने दिनों में, 12 महीनों में कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो जगह क्या कहलाएगा, फैक्ट्री। अब इसमें दो चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे, एक प्रिसिंक्ट्स को लिख लेंगे क्योंकि प्रिसिंक्ट्स पे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि प्रिसिंक्ट्स का मतलब क्या, और दूसरा किसके बारे में जानेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में। लेकिन ये जानने से पहले आप क्या कीजिए, आप इसको तब तक कॉपी कीजिए और मैं आपको जो है वो दिखलाता हूँ कि कैसे फर्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आप बतला सकते हैं मुझे? पहला चीज कि किस ईयर ये एक्ट आपका क्या हुआ, कमेंस हुआ। तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा, इसलिए ध्यान से इन बातों को सुनिएगा कि इन विच ईयर फैक्ट्रीज एक्ट कमेंस्ड, या कोई और लैंग्वेज दीजिए। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, ओनली फॉर फैक्ट्री, तो आप लिखिए फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल फॉर, और उसके बाद ऑप्शन में दीजिए क्या दीजिए, शॉप दीजिए, आप कंपनी दीजिए, एक तो सही भी दीजिए, बाकी तो तीन कुछ भी दे दीजिए। लेकिन अब इसका तो ये नहीं, इना मीना डिका मत लिखिएगा कि एप्लीकेबल फॉर इना मीना डिका और फैक्ट्रीज, ये नहीं, थोड़ा सा सूटेबल। दो क्वेश्चन। तीसरा ये पूछ सकता है कि फैक्ट्रीज एप्लीकेबल वेयर, विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट कंप्राइज ओनली द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, या फैक्ट्रीज एक्ट इज कंप्लाइंग द फॉलोइंग एरियाज, अब उसमें लिख देगा एनी पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस, प्रिसिंक्ट्स ऑल्सो, ऐसे करके दो तीन ऑप्शन में दे देगा। तो हमें देखना है कि अगर प्रिसिंक्ट्स दिया हुआ है तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में डालना पड़ेगा। तीसरा, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कितने लोग, नहीं हो रहा है तो, और ये कितने महीनों में देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे लिख दे 10, 11, 12, 14 पॉसिबल। अब आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-6 क्वेश्चन तो मैं आराम से यहाँ से बना सकता हूँ, नहीं बना सकते हम लोग? तो ये वर्क समझ में आया, क्योंकि ये ऐसा वर्क है कि अगर इसको कीजिएगा तो अगर आप चाहते हैं 100 लाना, कभी अगर दिल में तमन्ना हो कि आज तक कभी 100 मार्क्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर इस लेवल का मेहनत हर स्लाइड पे करना होगा। और अब समझने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत होगी, क्या इतना मुश्किल है अब याद रखना? लेकिन अगर आप एक बार घर जाकर के अगर वो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे ना, यकीन मानिए कभी नहीं भूलिएगा, और उसी 20-30 मिनट्स में आपका वो काम हो जाएगा। हो सकता है लिखने में थोड़ा टाइम लगे तो थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो ये काम जरूर करेंगे। और अगर आपने इसको आज का कल पे टाला तो फिर 100 मार्क्स या बाकी के लिए मेरी गारंटी नहीं, पास तो करेंगे क्योंकि
इतने सारे इसमें से ऑब्जेक्टिव सब यहाँ से ही गुजरेंगे कि थोड़ा बहुत भी सुना रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो कि देखिए CMSL 13 पेपर, तो इधर के मार्क्स आपको वहाँ पे क्या करेंगे, मदद करेंगे। प्लस अगर कभी रैंक जैसा तमन्ना हो, अगर हो, तो उन सब चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को लिखिए, और तब तक मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन ढूंढ करके रखता हूँ कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया ठीक आपके पिछले एग्जाम में इसी स्लाइड से। इसको डन कीजिए। डन। ये देखिएगा क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, बाकी आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिए, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानबूझ करके लेंथी करके पूछता है ताकि आपका पेशेंस टूट जाए और आप कुछ गलती कर दें और आप नहीं कहते बाय इंट्यूशन कुछ टिक करके हट जाए कि कौन इतना लंबा पड़े, चल ठीक है। तो इसको बस ध्यान से एक बार पढ़ करके देखिए, क्योंकि इसके आंसर मैंने आपको बतलाए, आप मुझे इसके आंसर बतलाइएगा। थर्ड ऑप्शन भी आपके सामने है, और ठीक से पढ़िएगा और देखिएगा कैसे कंफ्यूज भी करता है ये। एक तो लैंग्वेज उल्टा पुल्टा दे करके, और दूसरा
जो ऑप्शन दिए वो खुद कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन जगहों पे जानते हुए चीज में गलती ना हो जाए। 0.25 चले ही, मतलब एक आसान सा क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा, एक अच्छा किया हुआ क्वेश्चन में से ही 0.25 चला जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। पढ़ लीजिए, मैं आपके साथ रीड करता हूं। ए प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स देयर ऑफ इज अ फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट वेयर ऑन डैश आर वर्किंग, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, और वो वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विथ द एड ऑफ पावर। अब यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस फिल इन द ब्लैंक्स को शुरू करने से पहले कि सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, एड ऑन पावर, उसके बाद है और इज ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन और वेयर ऑन डैश नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग और वो वर्किंग ऑन अ डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ये तो हमें पता है 12 मंथ दोनों ही जगह एप्लीकेबल होता है। एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन, ये भी हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए विदाउट, अब यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि यहां कौन सा वाला है विदाउट। अब आपका ऑप्शन क्या है ये बताइए, ए बी सी डी में क्या सबका ए, बी वाले को हाथ उठाइए अगर किन्हीं का बी है, पक्का ये है बी क्यों नहीं, ठीक तो है 20 और 10 तो अभी भी है। हाँ जी, अगर सिंगल वाला रहता तो ज्यादा इशू नहीं था, डबल फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर आसानी नहीं ऐड आता रहता है, और थोड़ी सी लापरवाही किया तो रोड एक्सीडेंट, यही चीज यहाँ पे है। अगर ध्यान से बस पढ़ते वक्त पेशेंस के साथ इसको, जबकि देखिए ये नहीं लगता कि पकाऊ जैसा लैंग्वेज लिखा, कितने अच्छे से हम लोगों ने फटफट देखा कि ये ऐसे ही ऐसे समझ में आ गया, इसीलिए मैंने वैसे लिखा कि सारे तरह की बातचीत हम लोगों ने वहां कर लिया। और लैंग्वेज में देखिए पूछा इतना बड़ा, लगा था जैसे कितना बड़ा चीज आने वाला है, कितना तोप क्वेश्चन रहने वाला है, पूछा क्या टुच्चा सा क्वेश्चन। यहां पे क्या होगा अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो 10, और यहां पे क्या होगा 20 होगा। अब देखिए यही बस सिक्वेंस रखना है कि यहां 10 वाला देंगे और यहां 20 वाला, थोड़ी सी तो गलती हो सकती है अगर ध्यान नहीं रहा तो, हम 20 और 10 आता हुआ में भी कि लगेगा ऊपर 20 होना चाहिए और नीचे 10, और ये नहीं कि इसको याद करेंगे, जो इसे याद करेंगे उनसे इन्हीं तरह की गलती होगी, वो रटे हुए रहेंगे, ऑप्शन उन्हें दिखेगा और अगली बार क्वेश्चन सेट करने वाला क्या करेगा, बस वहां पे लिख देगा विदाउट, क्या लिखा हुआ यहाँ विदाउट द एड ऑफ पावर कर देगा और नीचे क्या कर देगा विद द एड ऑफ पावर, और एज इट इज छोड़ देगा सारे सिक्वेंस को। अब जिसने किसी बुक से पढ़ करके इसे रट्टा मारा था वो तो ना आगे ना पीछे, वो तो क्वेश्चन का पहला लाइन देखेगा और सीधे ऑप्शन लिखेगा और उसे मिलेगा बहुत बड़ा सा लड्डू विथ नेगेटिव, लड्डू के साथ थोड़े से और भी जो है कुछ गुलाब जामुन या बाकी डिश भी दे देगा, ये है आपका इस तरीके से। तो डबल फिल इन द ब्लैंक्स में ये और आएगा क्वेश्चन दिखलाऊंगा, फिलहाल फैक्ट्री चेक करने के बाद आपको एक राउंड दिखलाऊंगा क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन और कितने आसान आसान लड्डू लड्डू क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद तो फिर क्लास के अंत में, मतलब पूरे कोर्स खत्म होने के बाद तुम लोग स्कैनर लेके बैठते ही हैं। आइए अब जरा वापस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे आए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने कहा था हम लोगों ने कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रखा जाएगा ताकि हम क्या कर सके, फैक्ट्रीज एक्ट को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर क्या कर सके, एप्लीकेबल कर सके। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे तो हम समझते हैं कि कहीं भी तोड़ फोड़ बाकी चीज बन रहा है, इन्होंने कहा देखिए मेकिंग सिर्फ बनाना ही नहीं, अल्टरिंग, अगर कहीं पे दर्जी वगैरह रख करके टेलर वगैरह रख करके, नहीं देखते हैं कोई बुटीक वगैरह चलता रहता है, आप जो है वो ब्रांडेड चीज खरीदते हैं उसको अल्टर करा करा करके यूज करते हैं, बोला गया कि वो भी तो इंसान है जो काम कर रहे, मतलब किसी भी तरह का वर्क क्यों ना हो रहा है, चाहे मेकिंग चाहे अल्टरिंग या फिर क्या करने का रिपेयर करने का, गाड़ी वगैरह का जो रिपेयर होता है पैकिंग, मतलब चीजों को जो है वो प्रोड्यूस किया और बस पैक करके बेचते, वहां पे बड़े लोग काम करते रहते हैं, छोटे लेवल पे लोग देखिएगा चिप्स वगैरह बनवाते हैं बहुत ज्यादा ही चलता है चिप्स, और अभी तो आजकल पॉपकॉर्न वगैरह सब देखते हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है लोग वहां पे उसे पैक कर करके क्या करते हैं मार्केट में लाते हैं, किसी भी तरह का ऑयलिंग वॉशिंग ऑयलिंग वगैरह हो गया, जहाँ पे गैरेज वगैरह में ऑयलिंग होता है वॉशिंग सफाई किया जाता है गाड़ियों का, डेमोलिशिंग इवन तोड़ने वाले चीज का भी,
जैसे मकान वगैरह तोड़ने के लिए लोगों को, वर्कर वगैरह को लगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरह के काम को उन्होंने क्या किया, इसीलिए लिख दिया ताकि कल को ये ना बोले मैं ये काम करता हूँ, मैं तो वॉशिंग करता हूँ, गाड़ियों की धुलाई पानी डाल डाल के नहीं किया जाता है। अब वहाँ पे और लोग तो काम कर रहे हैं, ठंड गर्म बड़े सारे मौसम में वो काम करते रहते हैं, गर्मी में तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन ठंड के समय में ऑब्वियसली बात है इन चीज़ों को करते होता नहीं, भींगता ये थोड़ा ना ये चीज़, तो इन चीज़ों के लिए क्या फैसिलिटी होगा, वो उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज, ये जो पंपिंग हाउस वगैरह में जो लोग काम करते हैं ना, सीवेज सिस्टम वगैरह में, सीवरेज जहाँ गंदगी नाला वगैरह की सफाई, ये सब उनको भी हमने यहाँ शामिल कर लिया है ताकि उनको भी हम क्या कर सकें, इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दे सकें। इसके बाद देखिए, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर, ये बतलाऊंगा, इस पे एक केस भी आया हुआ, पहले ये नहीं डाला हुआ था मैन्युफैक्चरिंग में, एक बहुत अच्छा केस आया था और उसके बाद इसे डाला गया, वो केस भी बतलाऊंगा मैं, आगे आएगा, खत्म होने के बाद केस आता है, जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो उस पर कुछ केस भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में केस भी पूछता है और पूछ देता है कि इस केस में क्या जजमेंट आया था, क्या बात कहा गया था, और जिस केस का मैं नाम लिखाऊं वो केस का नाम याद रखना पड़ेगा, बाकी नहीं। मैंने बड़े सारे केस दिए हुए हैं आपकी बुक में, लेकिन जो नाम मैं यहाँ लिखूं वो जरूर याद रखना, क्योंकि उसके चांसेस हैं नाम के साथ पूछे जाने के, बाकी के सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, नाम की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से बिजली को क्या करें, चाहे जनरेट करें, ट्रांसफॉर्म करें या ट्रांसमिट करें, मतलब जहाँ जनरेशन होता है वो भी, जो वहाँ से मंगवाते हैं वो भी, और NDPL जो है या BSES जो हमारे घर तक पहुँचाते हैं वो सारे लोग, वहाँ जो भी लोग काम करते हैं वो भी इस दायरे में आएंगे। कंपोजिंग, प्रिंटिंग एंड बुक बाइंडिंग, मतलब बुक वगैरह, बुक बाइंडिंग वगैरह होता है, कभी जाइएगा तो उसमें कूट जैसा लगाता है, ऊपर से बाइंड वगैरह करता है, कभी बुक बाइंड कराए हैं? आजकल ये चीज़ थोड़ा कम हो गया, स्कूल के समय हमारे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि फाड़ देते थे हम लोग जल्दी, मैथ्स वाला या मोटा बुक जो होता था खरीदने के साथ ही पापा बोलते जाओ पहले बाइंडिंग के लिए दो, क्योंकि ज़्यादा बार पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते जो है वो फट जाता था, पेजेज अलग होने लगते थे, तो मैं तो इससे कमाई कर लेता था। आप बोलेगा कमाई कर लेते थे, मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा का बाइंडिंग का दुकान था, तो उसके दुकान पर मैं बैठता था कुछ देर, और उसके बाद मैंने वो सीख लिया, जब बुक बाइंड कराने जाता था ना तो बैठ जाता था, मैंने सीख लिया कैसे करते, मुझे आता है, अब नहीं करता हूँ, दूसरा काम है मेरे पास, छोटे में करता था, तो अपने ही बुक के लिए, तो पापा हर बुक के लिए देते थे 10-20 जो भी लगते थे बाइंडिंग के लिए, मेरे पास सारा सामान वो होता था, एक सुई चाहिए रहता था, मम्मा के पास धागा होता ही था मोटा वाला धागा, और कूट वगैरह, मम्मा जो साड़ी वगैरह खरीदती थी ना तो उसमें कूट लगा हुआ होता था, वो हम लोग ले लेते थे, सिर्फ कागज़ पेपर खरीद के ले आते थे कलर वाला, और मम्मा ही बना देती थी वो एडहेसिव भी नहीं खरीदते थे घर में ही, जो है ना आटा और बाकी चीज़ों को मिला करके बड़ा अच्छा जो है वो एडहेसिव बन जाता है बुक वगैरह को बाइंड करने के लिए, और मस्त बाइंड कर लेता था। यही चीज़ जो है वो कहीं पे पूरे जो है वो एक इंडस्ट्री लेवल पे चलता है, जहाँ पे बड़े सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उनको भी ये फैसिलिटी मिले, इसके लिए इतने छोटे लेवल तक के चीज़ों को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, और पापा जो पैसे देते थे वो अपने जेब में चले जाते थे। पापा भी समझते थे कि जो है इसने 100 रुपये की जो लिए हैं उसमें कुछ 20-25 का सामान लाया, बाकी 75 रुपये इसके हो गए, लेकिन सोचते थे कम से कम इससे कुछ अच्छा चीज़ तो आया कि पैसे बचा रहा, और वही पैसे पापा को लोन देते थे और उससे फिर क्या कमाते थे, इंटरेस्ट कमाते थे, हमारी अच्छी कट रही थी इसी तरीके से। चलिए, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, अब मुझे बताइए ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग वर्क हुआ, कोल्ड स्टोरेज में सामान रखना, कहा गया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको किस दायरे में रख दिया गया, और रीजन मैंने क्या बोला, कोल्ड स्टोरेज में आप देखते हैं कितने लेबर काम करते रहते हैं, अगर कभी देखिएगा आ जाते हो मंडी वगैरह में, पीठ पे डाल डाल करके ठंड बोरा भी ला करके बाहर ट्रक पे रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा जो सामान रखा जाएगा, इस ठंड के समय में अंदाजा लगाइए, ठंड बोरा को लेना है ऐसे ऐसे करके उसे लाना और ट्रक पे फिर ऐसे करके फेंकना है। आप बोलेगा ये आप देखते कैसे ऐसे फेंकते, ऑडिट के लिए आप भी जब जाइएगा ना तो ये सब देखिएगा। आज के डेट में लेबर लॉ ऑडिट सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, ये मिनिस्ट्री ने नया चीज़ कंपनी सेक्रेटरी को दिया है, और इसीलिए आपके सिलेबस में लेबर लॉ इतना ज़्यादा दे दिया गया, पहले सिर्फ 40 मार्क्स का था, आज आप इसे 100 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, और इसीलिए ऑब्जेक्टिव और उसके बाद इसको किया गया नेगेटिव मार्किंग, ताकि आप इसको इतने ध्यान से पढ़ें कि कल को क्या कर सके, ऑडिट एक चैप्टर भी है इसमें आपको, ऑडिट लास्ट में आएगा कैसे ऑडिट कीजिएगा लेबर लॉ का। तो ये सारी चीज़ किस में आ गए, मैं अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो तो आप मुझे बताइए क्या कोई काम छोड़ा गया है यहाँ, तो इसका मतलब बड़े सारे जगहों पे फैक्ट्री एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा अगर वहाँ पे 10 या 20 लोग काम कर रहे हैं तो। अब एक बार
जरा एक और जो हमारा वर्ड था वो वर्ड कौन सा था? प्रिसिंक्ट्स। उस प्रिसिंक्ट्स वर्ड को जानते हैं, क्योंकि हो सकता है यहां पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें क्या करेगा, ए में लिख देगा मेकिंग, बी में देखिए ऐसे करके क्वेश्चन रेज कर सकता है, देखिएगा इसको ध्यान से, ए में आपका लिख दिया, वन में लिख दिया मेकिंग, टू में लिख दिया आपका डेमोलिशिंग, थ्री में लिख दिया बुक बाइंडिंग, फोर में लिख दिया आपका प्रिजर्विंग और स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेज। पॉसिबल? अब देखिए आंसर कैसे देगा वो देखिए, ए ओनली वन, बी ओनली वन एंड टू, सी वन टू एंड फोर, और डी में रहेगा ऑल वन टू थ्री एंड फोर। ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जितने तरीके से आप दुखी हो सकते हैं वो सारे तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पे आपका जवाब क्या होगा, हाँ सी या डी? पक्का? अब देखिए यहां क्यों कंफ्यूजिंग चीज दिया गया, जानबूझकर बुक बाइंडिंग बीच में दे दिया गया, इसीलिए क्योंकि आपका सुना हुआ चीज तो फटाक से लगेगा, हाँ मेकिंग जो है वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। जो बच्चा नहीं पढ़ा है तुक्का मारने गया है वो सिर्फ क्या जवाब देगा, ओनली वन, क्योंकि उसे लगेगा ये डेमोलिश करना कभी मैन्युफैक्चरिंग होगा, और बुक बाइंडिंग कब से हो गया मैन्युफैक्चरिंग, और ये कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये वो बच्चा हुआ जो राम रहीम करके एग्जाम देता है जय माता दी रक्षा करना बिना पढ़े निकलता है, तो वो देखा इसको, जो थोड़ा सा और पढ़ा रहेगा उसे लगेगा हाँ मेकिंग के साथ डिमोलिशिंग भी बोला गया था, चल ठोक डाल किसको, बी को। जो और थोड़ा सा पढ़ा रहेगा वो कहेगा नहीं बुक बाइंडिंग भी इसमें आता है, और क्योंकि उसे लगेगा कोल्ड स्टोर में तो सामान रखा जाता है, लेकिन जो जब तक विद डिस्कशन इस चीज को नहीं पढ़ा है तब तक वो डेयर नहीं कर पाएगा क्या करने का, क्योंकि जब आपको आंसर मिलने लगते हैं तो आपको लगता है बस इतना ही होगा, खास करके जब दो आंसर मिल गए तब तक छोटे छोड़ो छोड़ो ये बेवकूफ बनाने के लिए है, जबकि यहाँ आंसर क्या होगा डी। तो इस तरह से क्वेश्चन, अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या करने इसमें बनाने, तो दूसरे स्लाइड से समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आपको बनाने, देखिए इसीलिए अभी मैं हर स्लाइड पे बतला रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे तो मुझे फिर नहीं बतलाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि फिर तो आप पिक कर लेंगे कि इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सारा एक्टिविटी, क्योंकि ये किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। एक एस्पेक्ट आप देखिए जरा प्रिसिंक्ट्स के बारे में, ये मैंने आपको पढ़ाया है आप इसे लिखेंगे, ये प्रिसिंक्ट्स का डेफिनेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो ऐसे करके दे सकता है कि प्रिसिंक्ट्स में क्या क्या आता है, ओपन लैंड, लैंड विथ बिल्डिंग, और यूजुअली उसका मतलब क्या होता है, हो सकता है सिर्फ एग्जाम में पूछ दे कि यूजुअली प्रिसिंक्ट मीन्स व्हाट, तो क्या बोलिएगा, अगर यूजुअली वर्ड दे दे तो स्पेस इनक्लोज बाय, वहां पे चाचा चौधरी मत बनिएगा, सर आपने तो बोला था समंदर का किनारा तो डूब जाइए फिर समंदर में, वहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा गया है यूजुअली, और नहीं सिर्फ लिखे प्रिसिंक्ट्स तो ओपन लैंड, लैंड विथ बिल्डिंग सारा चीज आता है इसमें, और यूजुअली लिखे तो ऐसे। अब इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ये यूजुअली वर्ड मैंने बोला देखिए अंडरलाइन भी किया है ताकि ये वर्ड अगर दे तो ये लिखे, और नहीं तो सब कुछ है ये भी लिखा है, बट नॉट ऑलवेज, तो ओपन लैंड, लैंड विथ बिल्डिंग, लेकिन इज यूजुअली अंडरस्टूड टू स्पेस इनक्लोज बाय वॉल्स, बट नॉट ऑलवेज स्पेस इनक्लोज बाय वॉल्स इन केस ऑफ दिस, लिखा भी हुआ है
अब ये जो मैंने लिखा है इस केस को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नाम मैंने लिख दिया तो ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में जजमेंट किसका आया था वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ बिल्डिंग एंड ऑल ओपन लैंड इन केस ऑफ सॉल्ट वर्क शैल कम अंडर प्रिसिंक्ट। वहां पे सॉल्ट ही मैन्युफैक्चर होता था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मतलब तो लॉ हो गया। उन्होंने साफ साफ कहा था इस केस में कि जो भी वर्कर हैं जो कहां रह रहे हैं, बिल्डिंग में है या ओपन लैंड में भी है, यानी कि समंदर के किनारे भी है या उस बाउंड्री के भीतर भी काम कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, इस नंबर में काउंट होंगे। डन बताइए, डन करके चलिए। ये आपका डन है, ये देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, मैं सब एग्जाम का क्वेश्चन मैंने नहीं छापा है, ये ठीक एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैंने वेबसाइट से किए, चूंकि रिव्यू बोर्ड में हूँ तो मेरे पास वैसे भी है, वैसे वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। अब इसके क्वेश्चन नंबर वन को पढ़िए, ये जून 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछा है। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यूजुअली द टर्म प्रिसिंक्ट्स इज नोन एज, लेकिन जब गौर कीजिएगा क्या क्या लिखा है, पार्ट ऑफ फैक्ट्री, सब्सिडरी ऑफ फैक्ट्री, वॉल्स ऑफ फैक्ट्री एंड ए स्पेस इनक्लोज बाय। बहुत कॉमन सी बात है, अगर किसी को पढ़ाते वक्त इस वर्ड यूजुअली पे इंफेसिस ना दिलवाया जाए तो उसे यही लगेगा कि पार्ट ऑफ फैक्ट्री, यही लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दिए हैं इस यूजुअली वर्ड पे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा और आप इस केस में गलत नहीं होंगे। तो आपका जवाब यहां क्या होगा, यानी कि आंसर इज ए और बी, ए। बस इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिखला रहा हूं आपको। चलिए अब वापस हम लोग आते हैं अपने इस पे, हम लोगों ने अभी सिर्फ फैक्ट्री को क्या किया, डिफाइन किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फैक्ट्री में कुछ और भी चीज़ को, फैक्ट्री को डिफाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया, हम लोगों ने प्रिसिंक्ट्स को डिफाइन किया, हमें एक दो और डेफिनेशन देखने हैं। और उसके बाद जैसे फैक्ट्री में अलग अलग तरह के मशीन होते हैं,
तो उसमें से किस मशीन को प्राइम मूवर कहते हैं, किसको ट्रांसमिशन मशीनरी कहते हैं, ये दो चीज़ देखने रहेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत चीज़ों को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, क्योंकि फैक्ट्री तो कोई भी खोल सकता है, इनके पास पैसा ये खुद खोल सकते हैं, इंडिविजुअल हो गए, ये दोनों मिलकर के खोल लिया, ये चारों डायरेक्टर बन गए कंपनी, तो कंपनी फॉर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजन है जो आपको कंप्लाई करने फैक्ट्री एक्ट की, ये बड़े लंबे चौड़े प्रोविजन है। कुछ होगा किससे, कन्वीनियंस से रिलेटेड, कुछ उनके वेलफेयर वर्क से, कुछ उनके सेफ्टी वर्क से, कुछ उनके हेल्थ से लेकर के, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक की चीज़ों को करके आइएगा। अब आपके पास होमवर्क है, जो भी 3 स्लाइड गुजरा है उससे आपको क्या तैयार करना है, क्वेश्चन। और ये काम आप लूज सीट में करेंगे, बड़े सुंदर से। देखिए किसी भी चीज़ को करते वक्त अगर थोड़ा मन लगा करके कीजिएगा तो थोड़ा ही टाइम लगाइएगा, लेकिन वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। और अगर अनमने तरीके से कीजिएगा ना तो वो कभी ध्यान नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं कि सर ने बोला है और चेक किया जाएगा तो बस जो है वो जैसे तैसे कुछ भी लिख दो, नहीं। आप तसल्ली से इसमें जितने अच्छे से लिख सकते लिखिए, ताकि कल को जब आप उसे रेफरेंस लेने लगे ना तो अच्छा लगे। कोई चीज़ अच्छे से लिखा रहता तो मन करता है खुद एक बार देखने का, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने ही लिखा है, अच्छा लगता है। इसीलिए ढंग से उसको लिखिए, ढंग से लिखा रहेगा आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अलग सीट पे इसीलिए लिखिए क्योंकि जैसे ही आप देंगे वैसे ही मेरे लिए चेक कर पाना मुश्किल होता है, और आपको कंटिन्यूअसली क्या करना रहता है, उसमें आगे बढ़ना रहेगा। तो जैसे अभी नहीं मैं करता, जब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो दूसरे चैप्टर को आप दूसरे पेज पे लिखते रहेंगे, उस दौरान मैं कन्वीनियंट टाइम पे एक बार देख भी लूंगा और वापस आपको कर दूंगा कि हाँ अब ये चीज़ क्या है, आपका सही जा रहा है, ऐसे ही आप काम करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछते भी रहिए। तो ये काम आपको हर दिन करना है। तो अब आपका होमवर्क ऑन हो गया, ये काम करना है। और याद कीजिए स्कूल लाइफ में हम लोग 10-10, 12-12 पेपर पढ़ते थे, याद है ना, बोर्ड के समय में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी रहता था, मैथ्स रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इतने सारे पेपर होते थे। नन्हा सा जान, उतना भारी बस्ता, फिर भी सब पढ़ जाते थे। क्यों? बहुत अच्छी कहावत है, मार के डर से तो भूत भी भागता है। स्कूल में होमवर्क मिलते थे ना, और होमवर्क नहीं करने पे राजकीय सम्मान मिलता था, बेइज्जती खराब की जाती थी, तो इसीलिए होमवर्क करते थे। एक CW होता था, एक HW का कॉपी होता था, नहीं होता था क्लास वर्क और होमवर्क, और इसीलिए वो याद हो जाता था। तो थोड़े उसी फंडे से चलिए, चीज़ें याद रहेंगी। तो आज की मेरी सारी सेवा समाप्त, थैंक यू वेरी मच। अगली सेवा के लिए आएंगे गांधी सर।